शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आयुष, वो कैलकुलस की बुक देना। ओए आयुष, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। हाँ तो वो बुक देना कैलकुलस की। हाँ नहीं छोड़ूंगा। देखो तुमने क्या हाल कर दिया रोहन का। उठो, होश में आओ। देखो तुमने क्या हाल कर दिया रोहन का। पापा, मैं सच कह रहा हूं, मुझे रोहन नहीं दिखाई दिया। पापा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, मुझे फिर से वो डरावनी औरत दिखाई दी। पापा, अरे बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है पापा? बेटा तुम अंदर जाओ, मैं रोहन को लेके जाता हूँ। जाओ तुम, सब ठीक हो जाएगा रोहन। पर जाओ रोहन। रोहन तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ। आयुष की तबीयत बहुत खराब हो रही है, कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाओ। पता नहीं, मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया मगर मुझे उसका इलाज नहीं हो पाया। मेरे पहचान में एक विदेश की डॉक्टर है, शहर से थोड़ी सी दूरी पर है, आप उनको दिखाओ। ठीक है बेटा, कुछ म्यूजिक वगैरह लगवा दो। बेटा हम सिर्फ डॉक्टर के यहाँ क्यों जा रहे हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पापा, मैंने कल जो रोहन की हालत की थी ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा, मैं जानता हूँ कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रही है। बेटा, जिन डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, उन डॉक्टरों के पास है ना, हमारी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। और देखो, हम वहाँ आ भी गए। पापा, यहाँ? डरो मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ आओ, चलते हैं। आयुष, मुझे खुल के बताओ, तुमने अपने दोस्त को क्यों पीटा? पापा ने तो आपको सब कुछ बताया ही होगा ना। हाँ, लेकिन मैं ये सब तुमसे सुनना चाहती हूँ। आयुष, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। अगर तुम्हें सच में ठीक होना है तो अपने दिल की बात मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? दरअसल मुझे वो दिखाई देती है। कौन? एक साया। कैसा साया? मुझे एक बूढ़ी औरत का साया नजर आता है, जो मुझसे कहती है कि मैं अपनी माँ का खूनी हूँ और मुझे उसके लिए कभी माफी नहीं मिल सकती। उस दिन भी पता है बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मुझे मेरी दोस्त की शक्ल में वो साया नजर आने लग गया था अचानक से, और मैंने उसको पीट दिया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो मेरा दोस्त है वहां पर। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा मैम। ये औरत तुम्हें कब से दिखाई दे रही है? मेरी माँ के गुजर जाने के बाद से। क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी को? 10 साल पुरानी बात है, मेरा बर्थडे था उस दिन और मैंने वाटर पार्क जाने की जिद कर ली। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी स्टुपिड जिद की वजह से मम्मी पापा मान गए। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो
एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दी और पापा तो आगे बैठे थे, मेरी बेचारी माँ पीछे वाली सीट पे थी। इस सब का गुनहगार मैं हूँ, संभालो अपने आप को। आयुष, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। वैसे ये जो औरत तुम्हें दिखती है, ये कैसी दिखती है? मैं आपको बता दूं, ऐसी दिखती है वो, मैंने बनाई है ये। आयुष, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि तुम अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार खुद को मानते हो और इसी अपराध बोध को तुम्हारे दिमाग ने भयानक रूप दिया है। इसी वजह से तुम्हें ये औरत दिखाई देती है। तुम डरो मत, इस प्रॉब्लम को हम मिलके सॉल्व करेंगे। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो फिर थैंक यू डॉक्टर, आप ही हैं जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हो। थैंक यू। मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। आपके लिए गुड न्यूज है, आयुष पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए इसको यहाँ एडमिट होना होगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर आगे कुछ गलत होता है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। क्या मतलब? जैसा कि तुमने अपने दोस्त को पीटा है, कल को तुम अपने पापा को भी मार सकते हो। नहीं पापा। डरो मत आयुष, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो बिल्कुल ठीक होकर निकलोगे। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। गुड। जी मैम। कम इन बरखा। बरखा, ये आयुष है, ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, इसको इसका कमरा दिखा दो। चले। घबराने की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल। चलो। नया है ना तू? नया है ना? पर जा नहीं पाएगा। नया है? चलो जा। नहीं जा पाएगा, मैं जा रहा। अच्छा, डर मत राजा, तुझे भी बहुत जल्द यहाँ की आदत हो जाएगी। अच्छा, तो तेरे भी तेवर हैं? तो सुन ले, यहाँ के भी कुछ कायदे कानून हैं जिसे तुझे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी पेशेंट से बात नहीं करनी, अपने काम से काम रखना, सुबह 7 से 8 पानी आता है नहा लेना, 8 से 9 नाश्ता मिलता है खा लेना, 1 से 2 लंच और शाम को 7 से 8 डिनर। एक भी मिनट लेट हुआ ना तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये हॉस्पिटल है ना कि जेल। और एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गई, यहाँ आंखें नीची और जुबान बंद। चल, मैं तुझे तेरा रूम बताती हूँ। चल। ये है तुम्हारा रूम, चल अंदर।
अच्छा डाल दो। माँ, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब मैं आपको याद ना करता हूँ। कहाँ चली गई आप, कहाँ हो जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं बस भगवान से इतना मांगता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो ना माँ, आप खुश रहो। लव यू माँ, आई लव यू। ये हॉस्पिटल के कपड़े और तू आज से यही पहनेगा। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।